आ चुका हूँ एक न्यू इंस्टाग्राम रील्स का वायरल वीडियो लेकर के। ये वाला वीडियो ज़्यादातर लोगों ने कैपकट ऐप से बताया है और मैं आपको वीएन से बताने वाला हूँ। कैपकट से बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वीएन से बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप लोगों को करना है, क्योंकि मैंने आपको वीएन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद आप जाके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो आपको क्या करना है, वीएन ऐप को ओपन करना है और आपको प्लस के ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। इसके बाद में मैंने आपको दो वीडियो का लिंक देके रखा होगा, एक होगा 2 सेकंड का, एक होगा 7 सेकंड का। दोनों को आप जाकर डाउनलोड कर लेना। एक शॉर्ट वीडियो को जो मैं पहले 2 सेकंड को लिख दूंगा मैं शॉर्ट वीडियो, और 7 सेकंड की वीडियो भी लिख दूंगा मैं फुल वीडियो, ठीक है। तो पहले मैं शॉर्ट वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, जो 2 सेकंड का वीडियो ओनली ट्रेन वाला वीडियो, जिसको मैं यहाँ से साउंड को म्यूट करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इसका वी एन का जो है लोगो इसको डिलीट करूँगा और यहाँ से ये वीडियो ऐड हो जाएगा। इसके बाद में ना आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर जाना है और आपके यहाँ से फोटो एंड वीडियो पर जाना है, वीडियो एंड फोटो पर, और आपको फोटो पर जाना है और आपकी जो है 8 बेस्ट फोटोज़ को ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से किसी के भी, चलो मैं रोहित के 8 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से 4 फोटो ऐड कर लिए और मैं यहाँ से 4 फोटो और ऐड कर लेता, मतलब 8 फोटो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। इसके बाद में मैं यहाँ से जो है राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद ये फोटो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल के ऑप्शन पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाने के बाद इस पर टिकटॉक वाला 9:9 रेशो ऐड कर लूँगा। अब ये फोटो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक पर जाना है और आपको म्यूज़िक पर जाना है और आपको यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर जाना है और यहाँ से आपको फुल वाला वीडियो को ऐड कर देना है। आप इसको ऐड करोगे ऐसा ओके कर लेना, इसका साउंड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले से साउंड को ऐड करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और ये साउंड जो यहाँ पर आ चुका है, मैंने इसके अंदर पहले से बीट को ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक जो बीट होता है ना वो यहाँ पर होता है, लेकिन इसके अंदर अपन को ऐड नहीं करना बीट, अपन को यहाँ पर फोटो ऐड कर देना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बीट लग जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ बीट कहाँ कहाँ है, ठीक है। पहला बीट जो आता है वो आता है यहाँ पर, जो देख सकते हो तुम यहाँ पर, पहला बीट जो आता है यहाँ पर 3:37 पर आता है। सेकंड वाला जो बीट आता है वो यहाँ पर आता है 4:04 पे, और थर्ड वाला जो बीट आता है वो आता है 0.74 पे, और चौथा बीट जो आता है वो आता है यहाँ पर 4:30 पे या 29 पे, 5:30 पे, 29 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाँचों पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ पर 5:94 पे, और छठा वाला जो बीट आता है वो आता है यहाँ पर 6:55 पे, सातवा बीट आता है यहाँ पर 7:09 पे। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिर राइट क्लिक कर देना है। आपको याद रख लेना, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, और वो काम ये है कि आप यहाँ से जो है साउंड पिक ऐड करना और यहाँ पे बीट पे ऐड करना और यहाँ पे ऑडियो को जो प्ले करना, और यहाँ पर आप इसके अंदर ऐसे ऐड करते चले जाना, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको बीट के साथ में अकॉर्डिंग इसको आपको ऐड कर देना, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से ऐड करा था, ठीक है। इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हो। चलो मैं राइट क्लिक करके अब यहाँ पर जो बीट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में ना आपको फर्स्ट वाले फोटो को लाना है और फर्स्ट वाले बीट पे ऐड कर देना है। जैसा आप यहाँ पर ला कर रोकोगे ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइब्रेट होगा, और जहाँ पर वाइब्रेट होगा आपको वहीं ला कर रोक देना है। जो खुद से रुक जाएगा तो आपको रोक देना, जैसे यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, तो खुद रुकना है। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को बीट के अकॉर्डिंग एक एक फोटो को ऐड कर देना है। 8 बीट है 8 फोटो ऐड कर देना है, ठीक है। 7 बीट है 8 फोटो ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, जैसे कि तुम देख सकते हो। इसी तरीके से आपको ऐड करते चले जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको भी ऐड करते चले जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और बचा है, यहाँ से एक बीट को ऐड कर देता हूँ और एक फोटो और बच रहा है, और मैं इसको यहाँ पर साउंड के पास ला कर रोक देता हूँ, यहाँ पर भी रुक गया। इस तरीके से आपका स्टोरेज वीडियो जो बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहते हैं फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और आपको एफएक्स पर जाना है। एफएक्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे एफएक्स मिलते हैं, आप अलग अलग यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जिप्टर वाला ऐड कर लेता हूँ। मैं जिप्टर वाले पर जाऊँगा और मैं यहाँ से इसको फुल ऐड करूँगा, यहाँ से फुल ऐड करूँगा, और मैं अप्लाई यहाँ पे टू ऑल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अप्लाई टू ऑल करें, सबके अंदर यही वाला इफेक्ट यूज़ हो जाएगा। और फिर आपको ट्रेन वाले फोटो वीडियो पे आना है और यहाँ पे आपको एफएक्स पे जाना है, और इसको यहाँ से जाके आप इसको नॉन कर देना, ठीक है। यहाँ से ये हट जाएगा, और यहाँ पे जो बीट ऐड हो चुके हैं जैसे कि तुम देख सकते हो। इस तरीके से आपको भी वीडियो कुछ बनने वाला है, और अगर आप अलग अलग ऐड करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर जूम आउट फ्लैश, और यहाँ पर आपको जिप्टर वाला, और यहाँ पर आपको जिप्टर लेफ्ट राइट सब मिलते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। शेक इफेक्ट, जूम आउट, तो आप करना चाहो आप कर सकते हो। इस तरीके से आपका वीडियो बन जाएगा और आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना।